नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेहरू युवा केंद्र कटिहार के तत्वावधान में नेहरू युवा क्लब महिषशाला में योगा दिवस का आयोजन किया गया। जगन्नाथ दास ने बताया कि योग प्रत्येक दिन करने से निरोग रहेंगे, योग से संक्रमित बीमारियां दूर होगी। आज पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। योग निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक दुलाल चंद्र दास एवं संगीता कुमारी ने बताया कि इस बार 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। भारत शुरू से ही योग गुरु रहा है। भारत में योग की परंपरा सदियों पुरानी है। भारत हमेशा योग का प्रचार प्रसार दुनिया भर में करता रहा है और योग के इस प्रकार की वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई हुई है। इस मौके पर सेविका दीपमाला कुमारी, भारती देवी, माया देवी, राजू कुमार, अजय, विजय, संजीव, जयकिशन दास उपस्थित थे। योगा दिवस है, सभी जनताओं से अनुरोध करना चाहते हैं कि योगा कीजिए, योगा से निरोग रहेंगे। योगा ही ऐसा ही चीज है तो नियमित करने से बहुत से बीमारी को खत्म हो जाता है। सिर्फ योगा दिवस के ही दिन योगा मत कीजिए, प्रत्येक दिन सुबह शाम व्यायाम कीजिए, उससे बहुत फायदेमंद है। भागलपुर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन व एसएसपी नितिशा गुड़िया ने बिहार झारखंड बॉर्डर मिर्जा चौकी NH-80 पर स्थित बैरियर का औचक निरीक्षण किया। उसके उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिना माइनिंग चालान के गाड़ियों के पास होने की शिकायत पहले भी मिलती रही है। उस पर रोक के लिए बैरियर पर CCTV मजिस्ट्रेट व पुलिस को लगाया गया। इसके बावजूद भी अगर कोई गाड़ी गुजरती है तो उसका फाइन काटा जा रहा है। अब उन पर FIR भी किया जाएगा, साथ ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसर की भी तैनाती की जाएगी। साथ ही अनुमंडल स्तर पर चेक पोस्टों पर लगे CCTV कैमरों की निगरानी की जाएगी। चेक पोस्ट है और शिकायतें मिलती रहती है कि यहां से जो भी गाड़ियाँ जिनका प्रॉपर चलान नहीं है वो गाड़ियाँ क्रॉस होने की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं। तो यहाँ हम लोगों ने चेक पोस्ट बनाया है और CCTV कैमरा भी लगाया है। तो हम लोगों की भी इच्छा थी कि हम लोग खुद आकर के मेरे और SSP मैडम के द्वारा भी इसका निरीक्षण किया जाए और हम लोग और इसका स्ट्रेंथनिंग करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इन्फोर्समेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनकी प्रतिनियुक्ति नहीं है, तो उनकी प्रतिनियुक्ति भी संख्या कम ही है पूरे जिले के लिए, दो ही हैं, लेकिन उसमें से एक को हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट बेसिस पर यहाँ पर प्रतिनियुक्त करेंगे। और माइनिंग के भी एक सुपरवाइजरी ऑफिसर को यहाँ लगाया गया है और कार्रवाई पहले से भी हो रही है। अगर इस तरह की शिकायत अगर फर्दर मिली तो हम लोग और भी कठोर कार्रवाई जो है संबंधित कुछ गाड़ी निकल रही है झारखंड जी सर, जो कि रास्ते में ओवरलोड हो जा रही है जी सर। ये इधर से तो CCTV लगी है, मजिस्ट्रेट है, इधर से गाड़ी नहीं गुजर रही है, लेकिन झारखंड के बाराहाट से जो कानून चौक होते हुए NH पर झारखंड के रास्ते क्या अगला एक सनहोला में भी चेक पोस्ट हम लोगों का, वहाँ भी CCTV लगा हुआ है और हम लोग दोनों जगह के CCTV का फीड हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अनुमंडल स्तर पर भी उसकी मॉनिटरिंग हो सके। वरीय पदाधिकारी जब चाहें तो वो भी उसको देख सके। तो SDO साहब को मैंने बोला है कि स्थानीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में या थाने स्तर पर जहाँ कंट्रोल रूम बना हो वहाँ पर भी इसका फीड दे दिया जाए, तो वो भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास है। वैसे काफ़ी घटा है इस तरह के, क्योंकि फाइन भी काफ़ी माइनिंग से लगा है और ट्रांसपोर्ट से भी लगा है। विक्रमशिला सेतु पर भी एक चेक पोस्ट बना हुआ है TOP के पास, वहाँ भी CCTV हम लोगों ने कैमरा लगाया है। फिर भी अगर इस तरह के कार्यों में लोग लिप्त रहते हैं तो हम लोग अब जो हम लोग दंड अधिरोपित करते हैं, फाइन लगाते हैं, उसके अतिरिक्त अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग FIR भी करेंगे। खासकर डंप भी चल रहा है यहाँ पर, जो कि रजिस्टर्ड 2-4 ही डंप है और कई लोग वहाँ पर अभी माइनिंग ऑफिसर आ रहे हैं। अभी चूंकि कमिश्नर साहब की एक सुनवाई थी तो उनको मैं अभी बोलूँगा कि अभी इधर रह जाएंगे और अगर इस तरह का बिना लाइसेंस के कोई अगर स्टॉकिस्ट अगर स्टॉक रखे हुए हैं उसमें है। इसी के लिए मैंने बताया कि CCTV कैमरा हम लोगों ने लगाया है, चेक पोस्ट को और स्ट्रेंथन करेंगे। 3 शिफ्ट में पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। ट्रांसपोर्ट के भी एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर को हम लोग यहाँ पर प्रतिनियुक्त करेंगे, उस संबंध में मैंने DTO को बोल दिया है और हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि यहाँ पर किसी भी तरह का इलीगल जो है कोई भी माइन या मिनरल्स की कोई भी गाड़ी जो है यहाँ से पास। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। देवास कन्नौज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं के प्रेरणा स्रोत जननायक राहुल गांधी के जन्मदिन पर NSUI द्वारा शासकीय महाविद्यालय कन्नौज में फलदार पौधों से पौधारोपण कर सेवा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से अर्जुन मीना विधानसभा अध्यक्ष
फारूक खान, इकबाल पठान, आशीष वर्मा, राजा पठान, नीलेश मीणा, सुनील मोरी, माधव गोयल, चिंटू चौहान आदि NSUI कार्यकर्ता मौजूद रहे। BCN न्यूज के लिए देवास से कैमरा पर्सन दीपक बैरागी, अजय ध्रुवे के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद शाहगंज के सभी विकास खंडों की कमेटी के पुनर्गठन पर विचार विमर्श हेतु आयोजित बैठक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्रांतिकारी पत्रकार परिषद प्रमुख व राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र दैनिक राष्ट्रीय साक्षी के क्रांतिकारी संपादक अनिल दुबे आजाद की गरिमामयी उपस्थिति में खुटन ब्लॉक के सभागार में शाहगंज तहसील के सभी विकास खंडों खुटन, शाहगंज, सौंती तथा सुई थाकला की ब्लॉक स्तरीय विकास खंड वार पदाधिकारियों बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अनिल दुबे आजाद ने देश के महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना के साथ किया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय प्रमुख आजाद ने कहा कि आधुनिक समय में निष्पक्ष और ईमानदारी पूर्वक सच्ची पत्रकारिता करना बेहद दुष्कर कार्य बन गया है, जिसका प्रमुख कारण पत्रकारिता का दो भागों चाटुकार और पत्रकार में विभाजित होना बताया। उन्होंने देश में लुप्त हो रहे भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेल हॉकी को जन जन तक पहुंचाना, प्रचार प्रसार और जागरण के माध्यम से लोगों को जागरूक करना क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का मूल उद्देश्य है। केंद्रीय प्रमुख ने कहा हॉकी की पहचान राष्ट्रीय खेल के रूप में होनी चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिले में 1000 हॉकी सभी पत्रकारों के पास होने का लक्ष्य बताया, जिससे आम जनमानस के बीच हॉकी पूर्ण रूप से लोकप्रिय खेल बन जाए और साथ साथ आम जनमानस के बीच यह खेल खेला भी जाए। पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा कोई फीक नहीं है जो सरकार के सामने हाथ फैलाकर याचना करने से मिलेगी, बल्कि सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने पर मजबूर करना होगा, जिससे सरकार पत्रकारों के सामने घुटने टेक देने पर विवश होना पड़े। गहमा गहमी तथा पत्रकारों द्वारा अत्यंत उत्साहपूर्वक क्रांतिकारी पत्रकार परिषद केंद्रीय प्रमुख एवं संपादक अनिल दुबे आजाद, प्रदेश महासचिव श्रीधर तिवारी, वाराणसी मंडल प्रभारी ब्रजेश उपाध्याय, जिला अध्यक्ष देवेश मिश्रा, जिला महासचिव जय प्रकाश गुप्ता की विशेष उपस्थिति में शाहगंज तहसील समेत समस्त तीनों विकास खंड समिति पुनर्गठन हेतु विचार विमर्श के बाद सूची को अंतिम रूप दिया गया और वह सूची केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आजाद को सौंपी गई, ताकि अनुमोदन होने के बाद शीघ्र ही समस्त कमेटियों का पद ग्रहण समारोह आयोजित किया जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चंद्रजीत यादव ने ब्लॉक सभागार में बैठक को सकुशल संपन्न कराने हेतु सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खंड विकास अधिकारी गौरवेंद्र सिंह के प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन विशेष संवाददाता राम नरेश प्रजापति ने किया। इस अवसर पर राजीव श्रीवास्तव, सुशील पांडेय, सुल्तान अहमद, पवन कुमार, दीपक यादव आदि उपस्थित रहे। सर, ये जो आज बैठक हुई है किस विषय को लेकर हुई है? क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के शाहगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले तीनों चारों विकास खंड में क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की कमेटी के पुनर्गठन के संबंध में आज ये बैठक हुई है, जिसमें इससे संबंधित विचार विमर्श हुआ है और इसका फाइनल सूची हेड ऑफिस से जारी की जाएगी शीघ्र। तो ये क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जो है इसका क्या मकसद है? क्रांतिकारी पत्रकार परिषद, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श हम सभी साथी मानते हैं और उन्हीं से संबंधित क्रांतिकारी भावनाओं को उपरोक्त होते हुए अपने समाज में अपने पत्रकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आक्रामकता के साथ हम उनका सहयोग कर सके साथियों का, इसके लिए इसका क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का गठन आज के लगभग 3 वर्ष पहले हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर। पत्रकार सुरक्षित नहीं है क्यों? पत्रकार सुरक्षित नहीं क्योंकि पत्रकार कई खेमों में बटे हुए हैं, लोग कई इसमें जाते हैं। जब आपको ये पता है कि एक जगह आप सुरक्षित रह सकते हैं, 5 जगह टांग फैलाने की आपको जरूरत क्यों आती है? अगर जब तक एकजुटता पत्रकारों में नहीं आएगी, अभी इससे और बुरी स्थिति आने वाली है। आपका परिचय सर? मैं अनिल दुबे आजाद, हिंदी दैनिक राष्ट्र साक्षी समाचार पत्र का संपादक हूँ और इस संगठन का संस्थापक अध्यक्ष कहते हैं लोग, प्यार से मुझे केंद्रीय प्रमुख के नाम से लोग जानते हैं। सरकार का प्रयास ये चल रहा है कि हर ब्लॉक में हमारी कमेटियाँ बिल्कुल दुरुस्त और आक्रामक रूप से कार्य। सरकार पत्रकारों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
अब देखिए अनौपचारिक बात में हम मजबूती से उसी तरफ अग्रसर हैं कि सरकार को मजबूर करें कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए वो मजबूर होकर के उस पर कदम उठाएं। और कोई सुविधा भी नहीं दे रही है, सुविधा बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है, तो सर मांगना नहीं चाह रहा है, सुविधा सरकार क्यों दे दिया? सर ये आपकी कमेटी जो है ये अभी उत्तर प्रदेश में किस किस जिलों में है, लगभग कितने? लगभग 40 जनपदों में हमारी कमेटियां विस्तारित हो चुकी हैं, प्रदेश की कमेटी अनाउंस हो चुकी है, उसके शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, प्रादेशिक कमेटी से बातचीत चल रही है, शीघ्र ही शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ की धरती पर आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रदेश कमेटी शुद्ध रूप से कार्यकर्ता। बीसीएन न्यूज के लिए जौनपुर से ऋषभ तिवारी की रिपोर्ट। रविवार को हापुड़ में गंगा दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। कोविड नियमों का पालन करते हुए गंगा में श्रद्धालु ने स्नान किया है। दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए घाटों पर पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कोविड नियमों का पालन किया करा जा सके। गंगा दशमी पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा तट ब्रज घाट पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा दशहरा पर्व पर गंगा किनारे श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान भी किए। पौराणिक मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की दशमी के दिन ही भगवान शंकर की जटाओं से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी दिन गंगा में स्नान करने और दूसरे को ठंडा जल पिलाने का काफी पुण्य मिलता है। वही जगह जगह छबील लगाई गई और मीठा शरबत भी वितरित किया गया। गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क रही ताकि गंगा तट पर श्रद्धालु की भीड़ नियंत्रण की जा सके। इसके अलावा दूसरे जनपद की सीमाओं को भी सील किया गया था जिससे कोविड महामारी का बहु प्रकोप फैलने से बचा जा सके। मुकेश है, मैं गंगा स्नान करने आया हूँ। जेठ का दशहरा है, गंगा स्नान है, यहाँ पे पवित्र लोग आते हैं, पवित्र हो जाते हैं यहाँ गंगा जी में आके, पाप धुल जाते हैं लोगों के, घर वालों की अच्छी शुभकामनाओं के लिए मतलब यहाँ पे हम नहाने आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत टाइम बाद मतलब बहुत आते हैं श्रद्धालु यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। ये भीड़ इतनी सारी लगी हुई है, ये गंगा जी है, ये सारा वो है, ये पुल है। ये जेठ का दशहरा होता है जो साल में एक बार आता है। यहाँ लोगों की मानता यह है कि बहुत सबको जैसे मूनन वगैरह हैं या दिए लगते हैं, जैसे जो अलावा एक्सपायर हो उनके दिए लगते हैं 14 में, एक तो कार्तिक के नाम पर लगते हैं, एक जेठ के दशहरे पर लगते हैं जो साल में एक बार आता है। यहाँ इसलिए मानता है कि दशहरे में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे गढ़गंगा ब्रजघाट नगरी में ये जेठ का दशहरा होता तो इस पर दिए लगाए जाते हैं यहाँ पर, इसकी लोग बाग मानता है, इसलिए मानते हैं कि लोगों के लिए, पितरों के लिए, वैसे देवी देवताओं के लिए जो सुख शांति का वातावरण बना रहता है ना, उस चीज़ के लिए ज़्यादातर स्नान रहता है यहाँ पे। श्रद्धालु तो करीबन लाखों की संख्याओं में हैं, कम नहीं है। जिस तरीके से लॉकडाउन पे मना करा गया था, अभी पीछे के उनको कोई भी स्नान नहीं होएगा, फिर भी काफी भीड़ है। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। इस वक्त की खबर सुल्तानपुर से है। मामला मोतीगढ़पुर थाने के अंतर्गत देरा ग्राम सभा के बंधु मिश्र का पुरवा का है, जहां पर चकमार्क संख्या 1554 पर ग्राम प्रधान द्वारा मिट्टी पटवाने का कार्य किया जा रहा है। मिट्टी पटवाते समय चकमार्क से जुड़े सैकड़ों वर्ष पुराने रास्ते से मिट्टी खुदाई कर देने के कारण मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा शेष चकमार्ग पर मिट्टी डालते समय अवरोध उत्पन्न किए जाने के कारण पूरे चकमार्ग पर मिट्टी नहीं पड़ सकी, जिससे कई परिवार के लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार पुराने रास्ते में कुछ लोगों का चक पड़ता है, जिन्होंने अपने चक से जाने वाले पुराने मार्ग में गड्ढे खुदवाकर मार्ग को रोक दिया। जब इस संबंध में उक्त लोगों से बात की गई, तो उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर ये बात स्वीकार कर ली कि मैंने ही वहां पर गड्ढा खुदवा है, अब हम वहां से आने जाने नहीं देंगे। जहां पर चक मार्ग नक्शे में दर्ज है उसी मार्ग को चालू करवा लीजिए, मगर इस चक मार्ग पर प्रभावशाली लोगों द्वारा विरोध किए जाने के कारण मिट्टी डलवाने से ग्राम प्रधान कतराते हैं। यदि अविलंब कोई समाधान नहीं निकला तो यहाँ पर कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती है, जिसकी सारी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान तथा शासन प्रशासन की होगी। इस मामले की जानकारी जयसिंहपुर तहसीलदार को लिखित तथा मौखिक रूप से दी गई।
जिसके बाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया, मगर अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। इस विषय पर जब खंड विकास अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि यदि वहाँ किसी प्रकार का विवाद ना हुआ तो हम चकमार्ग पर मिट्टी डलवाने का प्रयास कर सकते हैं। इधर मार्ग पर आवागमन बाधित होने के कारण वर्तमान समय पर स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। गांव के दर्जनों लोग मिलकर जिलाधिकारी सुल्तानपुर को प्रार्थना पत्र देकर अविलंब रास्ता खुलवाए जाने की मांग की है। इस संबंध में जब पीड़ितों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि इस मामले की जानकारी प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सांसद मेनका गांधी तथा जिलाधिकारी सुल्तानपुर को लिखित रूप से दी गई है। यदि जल्द से जल्द इसका निराकरण नहीं किया गया तो हम सभी लोग मिलकर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। उदेश प्रसाद मिश्रा, कहाँ रहने वाले हैं आप? बंधु मिश्रपुरवा दियरा सुल्तानपुर। जी, क्या मामला है आपका? ये जब से चकबंदी हुआ है तब से ये चक रोड खुला हुआ, सेक्टर रोड। जी जी, 4-5 साल तक चला था, उसके बाद में कुछ दबंग लोगों ने इसको बंद कर दिया जी, और तब से सब रास्ता बाधित हो गया, कोई आने जाने का रास्ता सब बंद हो गया है। अच्छा अच्छा, हम चाहते हैं कि ये खुले। क्या आपने किसी कुछ अधिकारी को अवगत कराया इस मामले को? भाई ये लड़के लोगों ने किया है, अभी तक कोई निर्णय कुछ नहीं। अभी कई बार हुआ, आए गए, लेकिन अभी तक कोई खुलने की चांस नहीं लगा। चकमार्ग संख्या क्या है, कुछ जानकारी आप दीजिए हमें। 1554 है। 1554, ठीक, ओके, धन्यवाद सर। जी जी, तब ये सारे खेत थे। अच्छा, अच्छा, उस समय। अच्छा अच्छा, आज चकबंदी हुआ करीब 40 साल हो गया। जी जी, ये खेत था, वो खेत था, वहाँ तक खेत था। अच्छा, ये सब घर बाद में बने हैं चक रोड खुलने के बाद में। अच्छा अच्छा, हाँ, पहले ये घर यहाँ नहीं थे। बीसीएन न्यूज के लिए सुल्तानपुर से प्रमोद यादव की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में एक सप्ताह पहले 15 वर्षीय नाबालिग रोडवेज बस में चढ़ते समय बस के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल नाबालिग की आज इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने बस स्टॉप के पास शव रखकर कई घंटों तक जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने बीच रोड पर शव रखकर कई घंटों तक जाम लगाए रखा। कड़ी मशक्कत के बाद में पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। परिजन आरोपी के खिलाफ मुकदमा और मुआवजे की मांग कर रहे थे। जाम के दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। घटना हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप की है। बीते रविवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के पुराना बेतवा घाट निवासी राज 9 बजे कुरारा जाने के लिए रोडवेज बस में सवार हो रहा था, तभी बस ड्राइवर ने बस बढ़ा दी, जिससे 15 वर्षीय बालक का हाथ फिसल जाने से रोड पर गिर गया और बस का पिछला पहिया उस पर चढ़ गया था। मौका पाकर रोडवेज बस चालक बस समेत भागने में सफल रहा था। मौके पर मौजूद राहगीरों ने नाबालिग को मुख्यालय के अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार होने के बाद डॉक्टरों ने कानपुर के लिए रेफर कर दिया। कानपुर हैलट अस्पताल में इलाज के दौरान बालक की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग, बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर परिजनों ने शव को रोड में रखकर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वसीओ व सदर अनुराग सिंह भारी फोर्स के साथ मौके पर आए। बड़ी मशक्कत के बाद जब सीओ सदर अनुराग सिंह ने मुकदमा लिखने का आश्वासन दिया और मुआवजे की मांग को भी पूरी किए जाने को कहा, तब परिजन व मोहल्ले वालों ने जाम हटाया। इस हंगामे के बीच काफी देर तक दोनों तरफ की आवागमन पूरी तरफ से ठप रहा। बेतवा घाट निवासी एक राज नाम के युवक की दुर्घटना में घायल होने से उपचार के दौरान आज कानपुर में मृत्यु हो गई। उसके शव को रोडवेज के पास रख के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को रोडवेज के पास रखा। इस संबंध में जो पंजीकृत है भी बेचना है। बीसीएन न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।